राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के ताजा आदेश का खुलासा होने के बाद व्यापारियों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। मंगलवार को शहर के अनेक इलाकों में व्यापारी रास्ते पर उतर आए और अपनी दुकानें शुरू करने की जिद करने लगे। इसी कड़ी में बुधवार को भी व्यापारियों द्वारा बैड़ी में लॉकडाउन पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को शहर में जगह जगह व्यापारियों द्वारा आंदोलन किया गया। सदर इतवारी और मंगलवारी में दिन के समय बड़ी संख्या में व्यापारी बाजारों में जमा हो गए। कुछ स्थानों पर उनकी एनटीएस दस्ते व पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी भी हो गई। दरअसल रविवार रात को जारी गाइडलाइंस को लोग समझ नहीं पाते। सभी को लग रहा था कि केवल वीकेंड पर कड़क लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बाकी दिन दुकानें शुरू रहेंगी। सोमवार को जब हकीकत सामने आई तो व्यापारियों की त्योरियां चढ़ गई। इसके बाद मंगलवार को व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को भी बैड़ी में बड़ी संख्या में व्यापारी जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी व्यथा भी सुनाई। यह था उसका दूसरा दिन है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और दुकानें बंद है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये 25 दिन का लॉकडाउन तो पहली बात के सरासर एक नाइंसाफी है, बहुत ही गलत डिसीजन है शासन प्रशासन की तरफ से, और हम इस चीज़ का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। कल पहला दिन था, उसके बावजूद भी हमारा यहाँ काफ़ी बड़ा विरोध हुआ, सीताबर्डी में हुआ, इतवारी में हुआ, आज महल मार्केट में काफ़ी बड़ा विरोध है, और ये विरोध और प्रोटेस्ट व्यापारियों का चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब लॉकडाउन ही एक विकल्प नहीं है जो हम व्यापारी जिस इस तकलीफ को देख रहे हैं। शासन प्रशासन ने लॉकडाउन के अलावा जो भी विकल्प है, जो भी कोविड नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, वो व्यापारी मानने तैयार है, उसके साथ हम लोग काम करने तैयार है। सिवाय लॉकडाउन के हम सारी शर्तें मानने को तैयार है और लॉकडाउन हम किसी को भी मंजूर नहीं है। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि हमेशा उन्हें ही टारगेट बनाया जा रहा है, कोरोना के प्रसार के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है। जब ट्रेन, बस, विमान, सरकारी ऑफिस, किराना और सब्जी की दुकानें शुरू है तो बाकी व्यापारियों के पेट पर क्यों लात मारी जा रही है? आज हमारे यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं, हमारे यहाँ आदमी काम करते हैं, इनको रहने की दो टाइम खाने की ये नहीं है? ये तो हम एक काम करो ना, हमको सबको जहर दे दो, मार दो, साल को कोई तकलीफ नहीं है, हमको हम मरने को तैयार है, हमको कोई ये दुख नहीं इस बारे में। ऐसा मरने से तो वैसा मरेंगे ना, यहाँ तो मर ही रहे ना, हम लॉकडाउन करके क्या विकल्प है? ये लॉकडाउन तो पूरा फेल है। गए टाइम हम लोगों ने, व्यापारियों ने पूरे बर्डी में हम लोगों ने यहाँ पे चाय से लेके, खाने से लेके, सब पानी से लेके सब बांटे है। हम पूरे व्यापारी बर्डी के व्यापारियों ने बांटे है। आज ये हम लोगों को ये नसीब आ गई है कि हम लोगों को यहाँ घर में यहाँ दो टाइम का खाना नहीं है हमारे लोगों का। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा देना चाहिए, हर दुकानदार को 15,000 रुपये महीना देना चाहिए, बाकी पूरे जितने भी आदमी काम करते सबके घर में 10,000 रुपये देना चाहिए, या फिर दो टाइम का खाना भी देना चाहिए। इस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें मुआवजा प्रदान करना चाहिए, या फिर कम से कम दो वक्त का खाना तो उन्हें देना ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है ये ब्रेक द चेन नहीं है, ब्रेक द इकोनॉमी है। अभी नागपुर ने 15 दिन का लॉकडाउन ऑलरेडी देख चुका है, हमने पिछले महीने की सैलरीज पे नहीं की है, अभी 30 तारीख तक के ये लॉकडाउन है, 1 तारीख आते से ही वापस सबको ईएमआई चालू हो जाएंगी, ईसीएस कटना चालू हो जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी। व्यापारी ये पैसा कहाँ से लाएगा? खुद के घर चलाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, तो स्टाफ को कैसे बांटेगा और बैंक्स के पैसे कैसे? हमको रियायत दी नहीं। ये सरकार ने जो निकाला है बहुत ही पॉलिटिकली ये इसका ऑर्डर निकाला है, उन्होंने इसका नाम दिया है पार्शियल लॉकडाउन, जबकि ये है फुल लॉकडाउन। अगर इसको ये बोलते कि ये फुल लॉकडाउन है तो उनको गरीबों को खाना खिलाना पड़ता, स्कीम्स निकालनी पड़ती जिससे इनको मुआवजा भरना पड़ता, ये न भरना पड़े इसलिए इसका नाम दे दिया पार्शियल लॉकडाउन, लेकिन कर दिया फुल लॉकडाउन। पब्लिक गई भाड़ में और हमारा काम चलता रहे। उनका कहना था कि हमारी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन हो रहा था और हम लोगों के साथ हमारी सुरक्षा भी कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार द्वारा जो ब्रेक द चेन ये मुहिम चलाई जा रही है वो ब्रेक थे चेन नहीं, बल्कि ब्रेक थे इकोनॉमी नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।